वेल हाल ही में हुआ हिंदी कॉमेडी प्ले गोलमाल द प्ले का परफॉर्मेंस। बता दें कि स्टेज परफॉर्मेंस में कई सारे सेलेब्स नजर आए, जहां बिंदु दारा सिंह से लेकर अर्चना पूरन सिंह और जॉनी लीवर नजर आए। प्ले के बारे में तो इन स्टार्स ने बात की ही, लेकिन यहां पर अर्चना सिंह अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन के बारे में बात करती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने पीरियड्स को लेकर खुलकर बातें की। क्या कहा उन्होंने और बाकी सेलेब्स ने, आइए आपको सुनाते हैं। विंदु वॉज फैबुलस, पायल, शिबा, आकाश, बहुत ही काबिल तारीफ परफॉर्मेंस थी। विंदु की तो बहुत ही एनर्जी से भरपूर और मेरी जो लाफ्टर है वो गूंज रही थी पूरे थिएटर में। मुझे धक्का दे रहे हो आप एंड बहुत ही फनी शो है। बहुत कम ऐसी कॉमेडीज़ दिखती हैं थिएटर में जाकर जो लाइव ऑडियंस के सामने जो कॉमेडी और अच्छी टाइमिंग के साथ कॉमेडी कर पाते हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। इट वाज लवली। सबसे मुश्किल तो आई थिंक इन ऑल आर्ट इज़ कॉमेडी। मोस्टली आई थिंक कॉमेडी इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिसको आती है उसके लिए आसान होता है, लेकिन जिसको मतलब अगर आप कोशिश करें कॉमेडी करने की और आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है तो बहुत मुश्किल है। विंदु शुड प्रोड्यूस मोर प्लेज बिकॉज आई थिंक उनको वो एक होता है ना नर्व्स पर उंगली उनकी सही पड़ी है कि उनको पता है कि क्या कैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसी स्क्रिप्ट को बैक करना चाहिए, कैसे प्ले को प्रोड्यूस करना चाहिए। आई थिंक ही इज डन अ फैबुलस जॉब। प्रोड्यूसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थिएटर में जो प्ले होते हैं, एंड विंदु हैज़ डन, ही इज़ प्रोड्यूस्ड इट एंड ही इज़ एक्टेड इन इट। आई थिंक बहुत बहुत वंडरफुल जॉब ही इज़ डन। ही इज़ टू फनी। यानी कि पैडमैन के बाद जो मैं कुछ एक दो हफ्ते पहले अक्षय कुमार के साथ शूटिंग कर रही थी एक एड फिल्म के लिए, तो मैंने उनको ये बोला कि आपने एक ऐसा दरवाज़ा खोला है हमारे देश में जो एक सब्जेक्ट इतना टैबू था, मंथली पीरियड साइकिल, और आपने उस दरवाजे को खोलकर इतना ज़्यादा एक बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस की है। ये सोशल कॉज जो उन्होंने शुरू किया है, इट हैज़ जो टैबू सब्जेक्ट था अब एक्चुअली लोगों की ज़बान पर आ रहा है, और आज मीडिया वाले ये सवाल पूछ रहे हैं, वरना मीडिया वाले भी सवाल नहीं पूछते। सो हैट्स ऑफ टू अक्षय एंड ट्विंकल फॉर ओपनिंग दिस सब्जेक्ट, एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे टैबू नहीं माना जाना चाहिए। वेल आई कैन ओनली से दैट इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर इतनी तादाद में जहाँ पर औरतें हैं, महिलाएं हैं, तो उनको ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि उनके जो शारीरिक जो भी इश्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज ना करते हुए उन पर हमें अगर ऐसा एक नेशनल डे है, वर्ल्ड डे है, राइट, वर्ल्ड डे, सो आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट वी शुड ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट वुमेन बिकॉज दे गिव अस लाइफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत सब काम अच्छा था। बिंदु जी, सब राजपुरी जी, हमारे आकाशदीप जी, शिवा जी, वेरी नाइस, और दूसरे भी आर्टिस्ट हमारे गोगा कपूर जी की बेटिया, मैं नाम भूल रहूँगा, कह रहा हूँ गोगा जी की बेटी सिमा कपूर, पायल और टीचर भी बहुत अच्छी, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया। भाई मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी बहुत अच्छे अच्छे विशेष कि और करते रहें, बहुत ज़्यादा शोज करते रहें और लोगों के सामने आए ये प्ले। नहीं, मैं प्ले कभी ज़्यादा नहीं किया, मैं तो प्ले देखता हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है प्ले नहीं किया, अपना स्टेज पे करता हूँ, स्टैंड अप अलग है, प्ले अलग होता है, ये बहुत मुश्किल काम करते हैं, ये काम मैं नहीं कर सकता, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। मैं समझा नहीं, क्या बोलिए? हाँ,
गोलमाल गोलमाल मंथली डे होता है ना। अच्छा अच्छा हाइजीन डे वो महिलाओं के लिए अच्छा है जो लेडीज के लिए अच्छा है वो अच्छा नहीं है। एक हाइजीन एक होता नहीं है ना इंडिया में हाइजीन की चिंता नहीं करते सब महिलाएं कुछ जगह पर। अच्छा अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं इसके लिए मैं बेरू को समझ में नहीं आया अभी भैया अभी आप समझा नहीं पा रहे मैं समझ नहीं पा रहा हाइजीन क्या होता है। माइंड ब्लोइंग हमने पहला शो किया था सबको पसंद आया लेकिन हमें पसंद नहीं आया था तो हमने बहुत चेंजेस किए और उसको मतलब जो बोलते हैं ना ऊपर से नीचे कर दिया और अब हमने जो शो किया हमें भी पसंद आया है। जब इंसान टिकट खरीद के आता है प्ले में थिएटर में देखने तो वो उसको वैल्यू बननी चाहिए और मुझे लगता है गोलमाल द प्ले एक एक पैसे की वैल्यू देता है तो अब ये सुपरहिट शो बनेगा। वही आप तभी प्रोड्यूस कर सकते हो जब आप में वो चीज़ के अंदर आपका विश्वास हो तो मुझे विश्वास था कि ये चलेगा और अब मैं श्योर हूँ कि ये चलेगा। वो देखेंगे हमारे डैडी की पिक्चर आनी है मेन तो डैडी की पिक्चर आनी है जब वो आएगी वो मेन है हमारा लेकिन ये शो बहुत मज़ा आया हमें हमारा दिल खुश हो गया है। गोलमाल द प्ले अब पूरी दुनिया में जाए सब लोग देखें और इतना ही प्यार दें ऐसा रिएक्शन मुझे तो कभी आज तक ज़िंदगी में मिला नहीं थिएटर में पहली बार मिला है तो बहुत खुशी है जब अपने सच बताते हैं और मेरी बीवी सबसे ज़्यादा डेंजरस क्रिटिक है उसको पसंद आ गया तो मतलब हमने फतेह हासिल कर ली। हाँ चलो हाँ देखो आप अक्षय कुमार की पिक्चरें हमेशा बहुत ही बढ़िया बनाते हैं वो कुछ ना कुछ सीख देते हैं जैसे हमने यहाँ सीख दी कि बच्चों की एडमिशन के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स को तो आई एम श्योर पैडमैन विल बी फैंटास्टिक। और नेचुरल हमने मोदी जी का भी बहुत डाला है कि भैया हाइजीन और हेल्थ और जो वो कर रहे हैं आजकल वेल डन भाई मज़ा आ गया। हाँ बहुत शुक्रिया। बस अभी अभी गोलमाल देख के आए हैं हम बहुत बहुत मज़ा आया। आकाश शिबा बिंदु एंड रेस्ट ऑफ द क्रू पायल एवरीवन वाज सुपर्ब बहुत मज़ा आया और हंसते रहिए। आई थिंक दिस इज सुपर्ब इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट ही इज डूइंग एंड ऑल द सक्सेस टू हिम थैंक यू। बहुत सारा गोलमाल है बहुत सारी मस्ती है बहुत सारा धमाल है हम सब एक्टर्स आपस में बहुत हमारी ट्यूनिंग है हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं आधे टाइम तो हम खुद एक्ट करते करते हंस पड़ते हैं सो इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ फन। बहुत मुश्किल होता है बिकॉज सबका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग होता है तो हर शो जब हम करते हैं हमको पता नहीं कि हमारा लाफ्टर कहाँ आने वाला है। सम प्लेसेस हमको एंटिसिपेट होता है कि डेफिनेटली यहाँ लाफ्टर आएगा बट सम नए नए हर शो में हमको डिस्कवर होता है कि कोई नई चीज़ लोगों को अच्छी लगी सो दैट्स फन ऑफ डूइंग लाइव एक्टिंग। देखिए एंटरटेनमेंट किसी भी फॉर्म में भैया थोड़ा धीरे कर लो ना अरे खटपट मत करो धीरे धीरे कर लो एक मिनट की बात है यार हेलो एक मिनट हाँ मालूम है कमर्शियली देखिए एंटरटेनमेंट इज़ द मेन थिंग हमारे कंट्री में या कोई भी कंट्री में एंटरटेनमेंट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ एनीबडीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जब आदमी काम से थका हुआ आता है तो एक कमर्शियल मज़ेदार कोई चीज़ देखने मिले वेदर इट इज़ सिनेमा वेदर इट इज़ टीवी वेदर इट इज़ लाइव आई थिंक लोग बहुत पसंद करते हैं हंसना हंसाना इन्जॉय करना। तो ये बिंदु और मेरा सेकंड प्ले एज एक्टर्स टुगेदर है एंड फर्स्ट टाइम ही इज़ अ प्रोड्यूसर एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स जिसके साथ मैंने काम किया है बहुत दिलेर हैं हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं दिल खोल के काम करते हैं और करवाते हैं मतलब इतना कमिटेड प्रोड्यूसर तो मैंने और कोई देखा नहीं। कि इसमें कोई शर्म की बात है नहीं ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड वी शुड नॉट हाइड एंड वी शुड नॉट कंसिडर इट डर्टी एंड पुराने ख्याल बदलो और नए दौर के साथ चलो नई जनरेशन को बताओ कि ये एक नॉर्मल औरत होने की निशानी है इसमें
कुछ भी खराब नहीं है, हंसी हमारी रुकी ही नहीं है एंड इट इज़ फैंटेस्टिक। सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और कुछ कुछ जो वो सब जो चीज़ें थी जो मैंने पहली बार देखी हैं इट इज़ फैंटेस्टिक, आई जस्ट लव्ड इट। बिंदु को मैं एक्चुअली बचपन से जानता हूँ और आज उसको मैंने पहली बार एक्चुअली मंच पे देखा एंड इट वॉज ह्यूज सरप्राइज एंड इट वॉज सो वंडरफुल टू सी माई ओल्ड फ्रेंड परफॉर्मिंग सो ब्रिलियंटली एंड सो ब्यूटिफुल। आगे क्या भाई, एज आई सेड मेरा बचपन का दोस्त है और हमेशा मेरी गुड विशेज के साथ रहेंगी एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि उसने ये प्ले प्रोड्यूस किया और आगे भी बहुत बड़े बड़े प्ले प्रोड्यूस करेगा, फिल्में करेगा, बहुत कुछ करेगा। आई थिंक इस ये जैसे आप अभी इसका प्रचार कर रहे हैं ऐसा प्रचार बहुत ज़रूरी है, जो शर्म है थोड़ी सी जो होती है ना वो निकल जानी चाहिए, घरों में बात होनी चाहिए इस चीज़ की और ये जैसे ही प्रचार होते जाएगा, गवर्नमेंट कर रही है, हम फिल्म इंडस्ट्री अपनी तरीके से कर रही है, तो ये जिस तरह आप अभी प्रेस कर रही है सो आई थिंक ये ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें टैबू नहीं रहेंगी, एक टाइम आएगा तो ये धीरे एक प्रोसेस है जो आई थिंक कुछ सालों में पूरा हो जाएगा।